हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको इस रेसिपी से प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप हफ्ते में एक से दो बार इस रेसिपी को जरूर बना के खाना। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग लिया है सोयाबीन को, ये हमारी एक कटोरी है, लगभग 50 ग्राम। तो अभी मैं इसको इस तरह से एक बाउल लूंगी और इसमें एक गिलास मैं पानी को ऐड करूंगी और इसे जो है इसमें मैं सोयाबीन को ऐड कर दूंगी और इसे मैं सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गैस को ऑन करके सोयाबीन को रख दिया है कुक होने के लिए। तो इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे कुक कर लूंगी, ये हमारा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए सॉफ्ट होने तक इसको मैं पका लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सोयाबीन कुक होकर इस तरह से, या छोटी सी हमारी सोयाबीन कितनी बड़ी हो गई है। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ, हमें बस इतना ही इसको कुक करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ और इसको मैं छान लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को निकाल करके इसको अच्छे से पानी इसका निचोड़ दिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो सारा पानी मैंने इसके अच्छे से निकाल दिया। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी रेसिपी इसकी बनाने वाली हूँ कि आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मैं अलग तरीका से आपको यह रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस रेसिपी को मैं बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। अब बहुत ही फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक मिक्सिंग जार लूंगी और इसमें इसको मैं ऐड कर दूंगी। तो चलिए इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे मैं दरदरा ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चलिए दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, इसको मैंने पीस लिया है। बहुत ज़्यादा हमको इसका बाहरी नहीं पीसना है। तो चलिए इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं मसाले को देख लेती हूँ। तो मैंने मसाले यहाँ पे क्या लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, जवाइन, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च दो कटी हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मसाले आधे आधे चम्मच लिया है। आप यहाँ पे अपने पसंद से मसाला ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा खाना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने इतने मसाले ले लिए हैं। अब ये मैं सारे मसाले को इसमें ऐड कर देती हूँ सोयाबीन के साथ में, जो मैंने इसको ग्राइंड किया है। फ्रेंड्स, यह ऐसी रेसिपी बनने वाली है कि आप लोग एक बार इसे बना लेंगे तो एक साथ बैठ के पूरा परिवार खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनेगी, यह सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे बच्चे बड़े सभी खाएं, सबके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी ये उबले हुए आलू हैं, तो 3 से 4 मैंने यहाँ पे ये उबले आलू लिए हैं। तो इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे मैं एक स्पून से अच्छे से मैश कर लूंगी इसमें। तो चलिए इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज को। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये मैं चावल का आटा ऐड करूंगी बाइंडिंग के लिए। तो आप चावल की आटा की जगह पे आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी आटा लिया है और इसमें सारे आटे को मैं ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से सारे सोयाबीन के साथ मैं मिक्स करूंगी। तो चलिए इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने चावल को इसके साथ ऐड करके मिक्स कर लिया है, पर ये अच्छे से अभी इसका डो नहीं बन रहा है। तो हमें इसके डो बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसका अच्छा सा एक सॉफ्ट डो तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से डो तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमें फिर इसके साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि एक साथ सारा पानी हम इसमें डाल देंगे तो ये हमारा डो जो है गीला हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका डो तैयार करते जाएं। तो देखिए, अभी मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, बस चार से पाँच चम्मच पानी ऐड करने के बाद ये हमारा डो बनना शुरू हो गया है। तो चलिए इसका मैं डो बना के आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टोर किए हुए सूखी धनिया डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल के इसका थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी। तो चलिए इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्ट डो एकदम बनके तैयार हो गया है। आज मैं इस
रेसिपी को बहुत ही कम सामान में बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें जो है प्याज लहसुन ये सब चीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमारा ये डो बनके तैयार हो गया है। बिना प्याज का भी ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेसिपी बनेगी, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी। तो चलिए, इसका डो हमने बना लिया है। अब इसका मैं थोड़ा सा डो हाथ में लूंगी इस तरह से। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा हाथ में तेल लगाना है और छोटा सा हमें डो लेना है, तो आप अपने पसंद से इसको बना सकते हैं। तो अभी मैं पहले इस तरह से गोल करूंगी और फिर इस तरह से मैं ये लॉन्ग में कर दूंगी। और फिर ये देखिए फ्रेंड, मैंने पहले इसको गोल किया और फिर बीच से हल्का सा इसको दबा दिया। तो चलिए इसी तरह से मैं सब बना लेती हूँ। एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। सेम ऐसे हाथ में थोड़ा सा तेल लेना है और अपने अपने मन पसंद का इस तरह से डो ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है इसे। तो पहले इस तरह से गोल करेंगे और गोल करने के बाद हम बीच से इस तरह से दबा देंगे। तो बिल्कुल ये फिंगर चिप्स की तरह भी आप लोग इसे बना सकते हैं, बेल के काट भी सकते हैं, लेकिन वो बेलने से हमारा ये नाश्ता जो है कुरकुरा नहीं बनेगा। हाथ से बनाने पर यह थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची लगेगा खाने में, तो हमें हाथ से इसको बनाने से अच्छा रहता है कि मैं हाथ से ही बनाऊं। तो इसी तरह से मैं अब सब बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से बना लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में कितना अच्छा लगेगा बनने के बाद, तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या मैंने लिया है देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंड्स मैदा, ये 4 से 5 चम्मच हमारा मैदा है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच पानी और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करूंगी। बहुत पतला घोल हमें नहीं चाहिए। तो चलिए इसका पतला सा घोल हम गाढ़ा सा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से इसका बैटर चाहिए, बिल्कुल कलछी से गिरे ना, गिराने के बाद गिरे, अपने आप से ना गिरे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बैटर इसका तैयार कर लेना है मैदे का। तो चलिए, हमारा ये बैटर बनके तैयार हो गया है रेसिपी बनाने के लिए। अभी मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने बनाया है इसको इसमें सोयाबीन का ये डाल दूंगी और इसमें अच्छे से मैं मैदे इसको लगा लूंगी, मैदे का घोल को। तो चलिए इसके आगे क्या करते हैं वो देख लेते। तो यहाँ पे मैंने लिया है सफेद तिल 4 से 5 चम्मच है। अभी मैं इसको जो बैटर से इसको मैं लगाया है ये चीज इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से इसमें चारों तरफ से इसको मैं लगा लूंगी। फ्रेंड्स, आप तिल की जगह पे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको तिल में बनाऊंगी या बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के नाश्ता तैयार होगा। तो चलिए इसी तरह से मैं सब में लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें लगा लेना है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से इसमें जो है सोख ले और ये तिल इसमें अच्छे से लग सके। तो चलिए सब में इसी तरह से मैं लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे रोल में अच्छे से लगा लिया है, सारे में तिल अच्छे से लग गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ गैस की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल यहाँ पे मैंने मूंगफली का लिया है, तो आप लोग अपने पसंद का तेल ले सकते हैं। तो चलिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ इसमें इसको। देखिए फ्रेंड्स, सोयाबीन का रोल मैंने सारा इसमें चेक कर ले रही हूँ। जितना एक बार में रोल आता है उतना हमें डालना है, एक साथ बहुत सारे रोल हमें नहीं डालने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे रोल को डाल दिया है सोयाबीन के। अब मैं इसको इतना ब्राउन होने तक पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी। तेल मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही तेल डाला है, जितना हमारा ये नीचे का भाग डूब सके बस उतना ही मैंने इसमें तेल ऐड किया है। तो चलिए, एक तरफ ब्राउन होने तक इसको मैं तल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे रोल्स एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं, चलिए मैं इसको पलट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सोयाबीन के रोल को सारे को पलट दिया, एक तरफ से हमारा ब्राउन हो गया है। हमें इसे तलते वक्त ध्यान देना है कि गैस का हमें मीडियम फ्लेम पे कर देना है, हाई फ्लेम पे इसे हमें नहीं पकाना, नहीं तो ये अंदर से जल जाएगा। तो चलिए, दोनों तरफ इसको मैं ब्राउन होने तक पका लेती हूँ। ये देखिए, हमारे सारे रोल सोयाबीन के बनके तैयार हो गए हैं। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, एकदम इसी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन इसको तल लेना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोयाबीन के रोल्स बनके तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान में मैंने इस रेसिपी को बनाया है। देखिए कितना अच्छा ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कितना क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की मेरी सोयाबीन की रेसिपी। आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग को मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, ऐसे ही मैं न्यू रेसिपी आप लोगों के लेकर आती रहूंगी। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।